अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहि अन्नुबुव्वत वल किताब व आतैनाहू अजरहू फ़िद दुनिया व इन्नहू फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। और हमने उन्हें इसहाक़ और याक़ूब अता किया और उनकी औलाद में नबूवत अता की, किताब दिया और उसके बाद उनका बेहतरीन बदला अता किया और दुनिया में भी बेहतरीन बदला दिया और आखिरत में वो नेक लोगों में से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी, इस्माईल अलैहिस्सलाम का यहाँ जिक्र नहीं है, दूसरी तफसील है उसकी, इसलिए हम यहाँ पर इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे कि जब वो फ़िलिस्तीन और शाम हिजरत करके आए तो अल्लाह ने उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी, एक नेक औलाद। फिर क्या कहा, और फिर याकूब को भी अता किया। याकूब अलैहिस्सलाम पोते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, तो पोता जो है एक तरह का हदिया या तोहफा होता है। बाप औलाद से खुश होता है, लेकिन सामने अगर औलाद की औलाद मिल जाए और खुश होता है। तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत, सब्र, अजीमत और तवक्कुल के बाद जो नेमत अता की, औलाद भी दिया, औलाद की औलाद भी दिया। तो इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याक़ूब अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चार सिलसिला, चार पुश्तों तक अल्लाह ने उस ख़ानदान में नबुव्वत को कायम रखा। कितना बड़ा एजाज़ दिया अल्लाह ताला ने सब्र का, तहम्मुल का, हिजरत का, कि चार पुश्तों तक उनकी औलाद में नबुव्वत कायम और बाकी थी। आज आप देखें कि किसी के घराने में एक पुश्त, दो पुश्त तक खुशहाली रहती है, फिर परेशानी आती है। इल्म की नमत भी, बहुत सारे उलमा के ख़ानदान हैं कि बाप बेटा आलिम है, तीसरी पुश्त में गायब, किसी में पहले ही पुश्त में गायब, यानी दो चार नस्लों तक इल्म दिन का सिलसिला नहीं संभल पाता है। अब जो भी असबाब हों उस पर हम नहीं गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा एजाज़ अल्लाह ने दिया। कहा कि वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहि अन्नुबुव्वह, उनकी ज़ुर्रियत में नबुव्वत कायम रखी। उनके बेटे इसहाक़ को नबी बनाया, उनके पोते याक़ूब को नबी बनाया, उनके पड़पोते यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया और फिर किताब भी दी। तौरात, इंजील, ज़बूर, ये नबुओं पर नाजिल होने वाली किताबें थीं, उन्हीं दावतों को आम किया। और फिर इन हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, तो सहीफ़े भी उनको अता किए। तो अल्लाह ताला ने उनकी बेहतरीन तारीफ़ भी किया, उनका ज़िक्र खैर भी किया और इतना ज़िक्र खैर किया कि यहूदी कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाई कहते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। जब कोई बड़ा हो जाता है तो हर आदमी उससे अपनी निस्बत जोड़ता है ना, कि वो तो मेरे घर के हैं, मेरे ख़ानदान के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। और जब तक बेचारा गुमनाम होता है या कमज़ोर होता है तो कोई नहीं पूछता है, हर आदमी उससे पीछा छोड़ाएगा, अरे मैं क्या जानूँ, मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन वही आदमी जब तरक्की पर हो गया तो हर आदमी उससे अपना रिश्ता जोड़ना शुरू करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तरक्की और बुलंदी दी, यहूदी कहते कि यहूदी थे, ईसाई कहते थे कि नसरानी थे, ईसाई थे। तो अल्लाह ने कहा कि माँ काना इब्राहीम यहूदी वला नसरानिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुश्रिकीन, वो दीन हनीफ पर चलने वाले मुसलमान बंदे थे और मुश्रिकीन में से नहीं थे। और व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में वो नेक लोगों में से होंगे, जो नेक लोगों की, सालिहीन की जो जमात होगी उनमें से वो होंगे। यह है सालिहीन की जमात का जिक्र। तो अब इस आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत और हिजरत के बाद की बशारत का जिक्र किया, जिससे चंद मसाइल साबित होते हैं। पहला मसला कि अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो खूब नवाजता है। चार पुश्तों में नबूवत दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह की नवाजिश इनाम की शक्ल में बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा एहसान था जिसका अल्लाह ने जिक्र किया। दूसरा मसला कि बेटा तो इंसान की अपनी चाहत है और तमन्नाओं का नतीजा है, लेकिन बेटी का बेटा ये एक बहुत बड़ा अतिया और हिबा होता है, गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ने आपको बेटे का बेटा अता किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन के बारे में कहते कि इन्न इब्नी हादा सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है हसन इब्न अली के बारे में, क्योंकि हसन इब्न अली आपकी बेटी फातिमा के बेटे थे। तीसरा मसला इस आयत में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फजीलत का जिक्र है कि अल्लाह ने उनकी औलाद में इल्म को कायम रखा। सबसे बड़ी फजीलत इल्म, नबूवत एक बहुत बड़ा इल्म है, बराए रास्त अल्लाह की तरफ से आसमान से इल्म आता है, और जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है, एक बड़ी मशहूर हदीस है हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी तलहा के बारे में, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ किया तो अल्लाह के रसूल की दुआ अल्लाह ने कबूल किया। उनके 10 बेटे हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी तलहा के 10 बेटे हुए और 10 कुरान के हाफिज थे। किसी के 10 बेटे और 10 हाफिज कुरान हों, कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, आज जो हमारे दरमियान हाफिज कुरान है, इस तरह के हाफिज नहीं होते थे। उस वक्त जब कोई हाफिज होता था सहाबा में या पहले दौर में, सहाबा और ताबईन के दौर में, तो हाफिज का मतलब कि कुरान को हिफ्ज भी किया है, कुरान को समझता भी है, कुरान पर अमल करता है, यानी हाफिज होना सबसे बड़ा एजाज उस जमाने में था। आज तो हाफिज होना एक आम सी बात हो गई। फिर भी कोई हाफिज है तो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दोनों हुफ्फाज में फर्क है। रट लिया तो आज हाफिज हो गए, फिर भी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने दे दी। लेकिन उस वक्त हाफिज होते, उसको समझते भी थे, अमल भी करते थे। तो अब्दुल्ला इब्न अबी तलहा के बारे में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ने उनको 10 बेटे दिए और 10 हाफिज कुरान थे। ये रवायत मुसनद अहमद की है। अब आप सोचिए कि एक आदमी ने अगर अपने एक बेटे को हाफिज बना दिया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मैदान महशर में उस हाफिज बच्चे के बाप को ताज पहनाएगा, ताजुल करामा, शराफत का ताज, एजाज़ का ताज पहनाएगा। इसलिए कुरान को ताजुल वालिदैन भी कहा जाता है। किसी के 10 बेटे होंगे तो क्या होगा, वो भी सहाबा का दौर, नबी की दुआओं का नतीजा। तो जो तीसरा मसला इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो खूब नवाजता है, और अल्लाह की नवाजिश पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चौथा मसला, बदला सिर्फ अल्लाह ताला देता है, किसी और से कोई बदले की उम्मीद न रखे। वह आतना हो अजरा हो फिर दुनिया, कोई दूसरा कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है। पांचवा मसला कि किसी भी नेकी के बदले में जल्दी नहीं करना चाहिए। आप नेकी कीजिए और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दीजिए। बाज दफा नेकी का फौरन नतीजा आता है। आपने कोई भलाई का काम किया, आया कोई आपको खुशखबरी दे दिया, शाबाशी दे दिया, शुक्रिया अदा किया, उससे भी आप घबराइए नहीं, ये जल्दी मिल जाने वाली खुशखबरी है। लेकिन नेकी के बदले की उम्मीद दुनिया में न रखिए, अल्लाह ने दे दिया। इसीलिए कहते नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में कोई चीज़ डाल दें, अभी बम्बई समुंदर पे जाएं, कोई चीज़ डालेंगे तो पाएंगे? नहीं पाएंगे। उसी तरह नेकी करके आप भूल जाइए, जिसके लिए नेकी किया है वो आपको अज्र देने के वक्त अज्र देगा। तो इस आयत से जो पांचवा मसला साबित होता है कि बंदा नेकी के बाद अज्र व सवाब पाने में जल्दी न करे, दावत देने के बाद नतीजा पाने में जल्दी न करे, और छठा मसला कि अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो नवाजने के साथ तारीफ कैसी किया। वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरत में नेक लोगों की जमात में से होंगे, नेक लोगों में से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक और साले औलाद अता फरमाए, हमारे अहल व अयाल में, आल व औलाद में, माल में बरकत अता फरमाए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हमारे लिए उसवा और आइडियल बनाए, और तौहीद के बाद में उनकी दावत को हमें अपनाने और उसके नक्श कदम पे चलने की तौफीक बख्शे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, आपकी नवाजिश का, इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। सूरह अल-अनकबूत की तफसीर का सिलसिला अभी जारी है। इंशाअल्लाह जल्दी हम मज़ीद आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। समाज से बुराई मिटाने में i+ TV की मदद करें। अपना ताऊन ऑनलाइन ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।